पुनर्वास एवं भू अर्जन कार्यालय के पटवारी सूरज सिंह बघेल को 4,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पुत्रियों को डूब प्रभावित क्षेत्र में प्लॉट देने के एवज में 15,000 की मांग कर रहा था पटवारी। फरियादी गोपाल सिंह बघेल की शिकायत पर लोकायत डीएसपी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें प्लॉट देने में लगातार विलम्ब किया जा रहा था। फरियादी से 15,000 की मांग की थी। दो पुत्र एवं एक पुत्री को डूब क्षेत्र प्रभावित संपूर्ण लाभ दिलवाने के एवज में 4,000 की राशि देना निश्चित हुआ था और 5,000 दो महीने पूर्व दिए थे। प्लॉट आवंटन को लेकर एवं मकान को डूब क्षेत्र में होने के पश्चात भी अपात्र घोषित कर दिया गया था। IN7 न्यूज के लिए कुक्षी से सुनील भीड़े की रिपोर्ट। पहला तो जो महापूर्व तो मैंने 5,000 दिए और 4,000 आज वो व्यवस्था करके लाया और भूखंड मेरे को वर्ष 2006-07 से आज दिनांक तक नहीं दिया और दौड़ा रहा है। क्या नाम है? सूर सिंह बघेल पटवारी। और आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह बघेल, ग्राम कटनेरा, तहसील कुक्षी, डिस्ट्रिक्ट धार। ये फरियादी गोपाल सिंह बघेल हैं, जो रिटायर्ड सहायक संचालक जिला पंचायत हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत लेके आए थे कि भू अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय कुक्षी का पटवारी है, वो इनसे जो है इनको आवास आवंटित करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इनको GRA से जो है 2005 में अवार्ड हुआ था इनका आवास का मुआवजा, और जो अन्य शासकीय सुविधाएं वो प्रदान किए जाने वाला GRA से आदेश हुआ था, उसी के तहत इनको मुआवजा राशि तो मिल गई थी। इनको प्लाट भी आवंटित होने थे, तो वो जो प्लाटों का आवंटन है वो आज दिनांक तक नहीं हुआ था। पटवारी से इनकी बात हुई तो वो इनसे प्लाट के आवंटन के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत राशि मांग रहा था। 5,000 रुपये पहले ले चुका था। आज पटवारी अपने ऑफिस में 4,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अभी लोकायुक्त पुलिस इंदौर से कार्रवाई चल रही है। पुलिस भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 13(1)(d) और 13(2) के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम और पद? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से।